हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 24 जनवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। प्यारे दोस्तों, आज 24 जनवरी को एक डे भी सेलिब्रेट करते हैं, और ये डे कौन सा है? ये डे है राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि दिन तो कल भी एक इंपॉर्टेंट था, और वो था 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती सेलिब्रेट करते हैं। नेताजी का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को जन्म हुआ था, इस करके हर साल 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे या जयंती सेलिब्रेट की जाती है, और इसे पिछले ही साल से यानी कि 2022 से हम लोग सेलिब्रेट करने लगे पराक्रम दिवस के रूप में। तो इस बार भी पराक्रम दिवस के रूप में ही इसे सेलिब्रेट किया है, ये भी याद रखना आप लोग। आइए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करें। उससे पहले आपको एक प्राउड मोमेंट है वो शेयर कर देता हूँ। आप लोगों के पास में मोबाइल फ़ोन है तो जनरली आपके पास में देखो दो ही ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के। अगर आपके पास में है एप्पल का कोई भी मोबाइल, ठीक है ना, तो आपके पास में होगा iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर है आपके पास में कोई दूसरी कोई भी कंपनी के अलावा, तो उसके अंदर आप लोगों को जनरली मिलने वाला है 90% से भी ज़्यादा के चांस है कि उसके अंदर आप लोगों को मिलने वाला है क्या, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी सिम्बियन और ब्लैकबेरी वगैरह भी हो सकते हैं, ये संभावना है। अब भारत में पहली बार एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया है खुद का स्वदेशी 100%, जिसका नाम है भार ओएस, ठीक है ना। हालांकि भारत कर देते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन हाँ, ये भार ओएस जो है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूर्णतः स्वदेशी है। इसे आईआईटी मद्रास ने ही डिजाइन किया है एक्चुअली, क्योंकि आईआईटी मद्रास की एक कंपनी है जिसका नाम है JNDK ऑपरेशन प्राइवेट कंपनी। ये आईआईटी मद्रास की एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है, तो एक्चुअली आईआईटी मद्रास ने ही इसे डिजाइन किया है। आप इसे जरूर याद रखना, आप गूगल पे मत चले जाना इसे डाउनलोड करने के लिए। कहीं ही मतलब कुछ चमत्कारी होते हैं कि चलो ठीक है एक बार इसे डाउनलोड करते हैं, पर ऐसा नहीं है। मतलब आप सीधे तौर से इसे डाउनलोड तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डाउनलोड करके इसे इनबिल्ट चलाना है तो उसके पास आप थोड़ी सी स्किल चाहिए। मतलब आपको रूट वगैरह की टेक्निक आनी चाहिए, तो ही करके आप लोग इसे अपने मोबाइल में कहीं अनेबल कर पाओ। और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो उसके साथ सीधे तौर पर तो नहीं हो सकता ये अनेबल। हाँ, नए मोबाइल जो आएंगे उसमें हो सकता है एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों को टक्कर मिले, और इनके मोबाइल के प्राइस भी कम हो जाए, क्योंकि अब तक तो मोनोपोली है, अकेले यही है, बाकी तो कोई वगैरह है ही नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है इंडिया के लिए, बड़ा प्राउड मोमेंट है ये। तो खैर, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि विश्व जैव विविधता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो उसका सही आंसर था 22 मई, ठीक है ना, 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं, याद रखना ये। सर ये होता क्या है बायोडाइवर्सिटी? देखो, एक तो जमीन का इलाका है जिसको आप लोग लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं, एक होता है आपका हाइड्रोस्फीयर जो पानी है, और एक होता है आपका एटमॉस्फेयर जो कि आपका पूरा वातावरण है। जहाँ पे ये तीनों आपस में मैच करते हैं, जहाँ पे ये तीनों आपस में मिलते हैं, वही जो इलाका है ना आपका, उसी को आप लोग जैव विविधता के बारे में जानते हैं बायोडाइवर्सिटी। यहीं पे बायोडाइवर्सिटी पनपती है दुनिया भर की, हम और आप भी यहीं रहते हैं, और इसी की वैल्यू करने के लिए, इसी को थोड़ा बढ़ाने के लिए, इसकी सुरक्षा करने के लिए हर साल 22 जो आपका मई है ना, इसको ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये याद रख लीजिएगा। आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा के गाँव रसूलपुर में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा, इसकी घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने की है, यह किस जिले में होगा? तो हरियाणा का गांव रसूलपुर जो है ना, ये पड़ता है फतेहवाद का, फतेहवाद के गांव रसूलपुर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बनेगा, इसकी घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने की है, याद रखना। और ये बेसिकली घोषणा हुई कहाँ से है, तो ये फतेहवाद का एक गाँव है बिढाई खेड़ा, ये देवेंद्र बबली जी का गांव है। इस गांव में एक मधुर मिलन समारोह हुआ था, और इसी के दौरान जो है ना, यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई है। इस मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए रसूलपुर गांव की पंचायत ने फ्री में ज़मीन दी है, 50 एकड़ ज़मीन मेडिकल कॉलेज के लिए, और यहाँ पे ये 50 एकड़ ज़मीन में निर्माण करवाया जाएगा, ये याद रखना है आपको। हरियाणा रोडवेज के किन कर्मचारियों ने क्रिकेटर ऋषभ पंत की जान बचाने का काम किया था?
तो इनके नाम खैर आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होंगे आने वाले टाइम के लिए। सुशील सिंह और परमजीत इनके नाम हैं, और ये नाम ज़रूरी इसलिए होंगे क्योंकि आने वाली 26 तारीख को जो है ना सुशील सिंह और परमजीत को जो है ना वो समेरिटन अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने 26 जनवरी को सम्मानित करने की घोषणा की है। ड्राइवर सुशील और कंडक्टर परमजीत ने ऋषभ पंत की जान बचाई थी गोल्डन आर के अंदर। याद रखिएगा ये गोल्डन आर क्या होता है, आमतौर पे जब किसी की दर्दनाक घटना होती है ना तो पहले घंटे को ही एक गोल्डन आर के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इस टाइम पे अगर उसको चिकित्सा की सहायता दे दी जाए ना तो यूँ समझो कि उसकी जान बचने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। भारत में गोल्डन आर को कानूनी मान्यता भी मिली हुई है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 2 का 12 ए जो है ना इसमें ही इसको कहा गया है कि जब एक दर्दनाक चोट के बाद 1 घंटे तक की समय अवधि के रूप में परिभाषित कर दिया ये, इसके दौरान शीघ्र चिकित्सा देखभाल के माध्यम से मृत्यु को रोकने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को ये पढ़ा दिया कि गोल्डन आर में इसकी मदद की तो करके इनको सैमरिटन अवार्ड दिया जा रहा है। भाई आपको ये सवाल हो सकता है कि सैमरिटन अवार्ड क्यों मिल रहा है, अवार्ड मिलने जैसी क्या बात है, ये एक्चुअली इस मोटर व्हीकल एक्ट में आने वाली बात और गोल्डन आर्मी की गई सुरक्षा उसी के तहत ही दिया जा रहा है ये अवार्ड। किस जिले में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा? छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के लिए प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाएगी हरियाणा के कैथल जिले में। ऑप्शन नंबर इस सवाल का ए जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत। इस योजना के तहत 182 स्कूलों में 60 मास्टर ट्रेनर कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को ये ट्रेनिंग देंगे। तकरीबन 5460 छात्राओं को जो है ये ट्रेनिंग दी जाएगी। इसकी जानकारी कैथल जिले के मौलिक शिक्षा अधिकारी रविंद्र चौधरी ने जो है ना ये प्रोवाइड करवाई है। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो है ना ये बेसिकली क्या है कि बेटियों को मार्शल आर्ट और जूडो की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें इस प्रोग्राम के तहत छात्राओं को पंच, किक, ब्लॉक, हाथ का छुड़ाना, बाल का छुड़ाना, किसी भी प्रकार की पकड़ से खुद को छुड़ाना और आदि सुरक्षा के तमाम दांव पेंच जो है ना वो सिखाए जाते हैं, सेल्फ डिफेंस सिखाए जाते हैं इस प्रोग्राम के तहत। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो बच्चियों के लिए एक सेल्फ डिफेंस की पहल है, इसके लिए 3 महीने की ट्रेनिंग में 3,000 रुपये खर्च किया जाता है, 5,000 रुपये तक जो है ना उसे बढ़ा दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी थोड़े समय पहले इसकी घोषणा की थी, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान हमारे भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, याद रखना। और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस चैंपियनशिप में किस जिले के सौरभ रोहिला ने 256 किलोग्राम भार उठाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो सौरभ रोहिला जो है ना ये हरियाणा के पानीपत जिले के हैं, याद रखना। इन्होंने 256 किलोग्राम भार उठा के बेसिकली जो है ना नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। और 256 किलोग्राम भार उठा के इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा भी यहाँ पे मोनू कुमार ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता, दीपक नंद ने 105 किलो वजन उठाकर जो सिल्वर मेडल जीता, रवि डाबर ने 120 किलोग्राम भार उठा के गोल्ड मेडल जीता यहाँ पे, ज्योति कॉलोनी के सौरभ ने स्वर्ण पदक जीतने के साथ इंडिया स्ट्रांग मैन का खिताब भी अपने नाम किया है। ये प्रतियोगिता 15 से 20 जनवरी तक महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुई थी, ठीक है, तो इसको याद रखना। अच्छा, इस औरंगाबाद का कुछ नाम वाम बदला गया है क्या? अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है, अगर बदला गया है तो, ठीक है। किस देश के राजदूत नाओर गिलोन और कृषि मंत्री ने लोहारू में हाल ही में इंडो इजराइल बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है? तो इंडो इजराइल बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ अभी हाल ही में किया है नाओर गिलोन और हरियाणा के कृषि मंत्री जिनका नाम जयप्रकाश दलाल है। और ये राजदूत नाओर गिलोन जो ना ये इसराइल के ही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। और इन्होंने जो है ना गिगनाऊ के अंदर बागवानी उत्कृष्टता केंद्र के उद्घाटन कर प्रोजेक्ट की जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पे कह रही है अभी रिसेंटली 12.5 करोड़ रुपए की लागत से 2 सालों में बन के तैयार हुआ है ये। और इस उत्कृष्टता केंद्र से इलाके के किसानों को परंपरागत खेती में जो है ना और बागवानी सब्जी फसलों की कीमत कम कीमत पर पौधे जो है ना वो मिल जाएंगे। लोहारू के अंदर है ये इंडो इजराइल बागवानी केंद्र, यानी कि भिवानी जिले के अंदर हो गया ये, ठीक है, तो ये याद रखना।
इसराइल के कृषि विशेषज्ञ एयर रशेल और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल सहित बागवानी विभाग के यहाँ पे और भी अधिकारी जो है ना मौजूद थे, ये भी आपको याद रखना है। अंडेमान निकोबार में एक द्वीप का नाम परमवीर चक्र से सम्मानित किस राज्य के शहीद मेजर होशियार सिंह के नाम पर रखा गया है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये, और इसका सही आंसर क्या रहेगा? हरियाणा के नाम पर रखा गया है ये, ऑप्शन नंबर बी सवाल का ठीक है। शहीद मेजर होशियार सिंह जी, इनके नाम पे होशियार द्वीप रखा गया है। एक्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में अंडमान निकोबार के अंदर टोटल 21 द्वीपों का नाम बदला है, उनमें से मेजर होशियार सिंह जो है ना, जिनको परमवीर चक्र मिला हुआ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इनको जो है ना अभी सम्मानित किया है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भी होशियार सिंह ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। बीकानेर सेक्टर में अपने क्षेत्र में आक्रमण पेट्रोलिंग करते हुए एक महत्वपूर्ण सूचना सेना तक पहुंचाई थी, जिसके कारण बटालियन को जीत मिली थी। इसके लिए बाद में उनका उल्लेख भी हुआ था। 1971 का युद्ध उनके लिए निर्णायक युद्ध था, जिनमें देश का सबसे बड़ा सम्मान इनको प्राप्त हुआ था। युद्ध के दौरान तीसरे ग्रेनेडियर को 15 दिसंबर 1971 से शक्करगढ़ सेक्टर में बस्तर नदी पर एक पुल का निर्माण करने का काम दिया था। नदी दोनों तरफ से गहरी लैंड माइन से ढकी हुई थी और पाकिस्तानी सेना द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित भी थी, और इन्होंने जो है ना इस लाहौरी गांवों पर कब्जा भी करना था। 15 दिसंबर 1971 को इस बटालियन को दो कंपनी, जिसमें से एक कमान मेजर होशियार सिंह के हाथ में थी, और ये आगे बढ़ी और दुश्मनों की ओर से हो रही भारी गोलीबारी, बमबारी, मशीन गन की बौछार के बावजूद फतेह भी इन्होंने जो है ना वो हासिल की थी। 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता जो है ना उनके नाम पे ये 21 द्वीपों का नाम जो है ना अभी हाल ही में बदल दिया गया है, ठीक है। हालांकि दिसंबर 2018 की न्यूज़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे भी जो है ना वो तीन द्वीपों के नाम बदले थे, जिनमें से एक तो रोस आयरलैंड है, उसका रोस आइलैंड का नाम बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हो गया, एक नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप आइलैंड हो गया, और एक हैवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज आइलैंड हुआ। ये क्वेश्चन पेपरों में कई बार आ चुका है, तो इसको सुपर इंपॉर्टेंट मान लेना आप लोग, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये सेशन करता हूँ समाप्त, और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बताइए इसके बारे में विस्तार से। सचिन तेंदुलकर का जन्म कब हुआ था वो भी बताइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, आप बताइएगा। उस तारीख को दो तीन दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में वैसे, पर बताइए आप लोग वो कौन सी तारीख है। थैंक यू सो मच।